हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्र। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई सा भी एप्लीकेशन या मीडिया को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐप या मीडिया सेंड करनी होती है वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक, सो उसके लिए आप जेंडर या फिर शेयर इट यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं है। ये सिर्फ 5 से 10 मीटर की रेंज तक ही आप किसी को शेयर मीडिया या फिर ऐप भेज सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप के ज़रिए कोई भी मीडिया ऐप भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मीडिया तो आप पहले ही व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, लेकिन आप ऐप कैसे भेजेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब चाहे वो आप जिसको भेजना है वो कितना भी दूर हो। सो दोस्तों, चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी को WhatsApp के जरिए ऐप सेंड करना है तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है ES File Explorer, जो आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, पहले ES File Explorer में जाने के बाद आपको वो ऐप सेलेक्ट करना है जिसको आप किसी को भेजना चाहते हैं। सो दोस्तों, पहला मेथड ये है, मेन मेथड, कि आपको अपने टेक्स्ट को रीनेम करके TXT लिखना होगा ऐप के जरिए। या फिर मैं पहले आपको एक बार ट्राई करके दिखा देता हूँ कि ये कोई फेक नहीं है। सबसे पहले मैं इस ऐप को सिलेक्ट करके शेयर के ऑप्शन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जियो 4G, जेंडर, शेयर एड या फिर ब्लूटूथ ही आ रहा है। इसमें व्हाट्सएप का नहीं आ रहा है क्योंकि व्हाट्सएप में आप ऐप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो अपना ऐप है उसको रीनेम करना होगा, और लास्ट में जो आपको रीनेम करना होगा, और चाहे तो आप इसको कितना भी बड़ा ऐप हो आप उसको भेज सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो भेज सकते हो। और दोस्तों, डायरेक्टली आप उसे रीनेम कर दीजिए। रीनेम सिर्फ ES File Explorer में ही होगा। सो आप डायरेक्टली इसको रीनेम कर दीजिए, और लास्ट का जो .apk है उसको .txt कर दीजिए। इससे क्या होगा कि apk जो फाइल है ये डायरेक्टली टेक्स्ट में चेंज हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे शेयर के बटन में जाना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी आ चुके हैं। सो मैं मेरे किसी व्हाट्सएप फ्रेंड को भेज देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं किसी भी ग्रुप या मेरे फ्रेंड को भेज देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे राघव को भेज रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ये ऐप भेज रहा हूँ। सो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, और ये चले भी जाएगी लेकिन टेक्स्ट में जाएगी। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक लाइट 1.5 MB की ये एप्लीकेशन है, लेकिन टेक्स्ट लिखा रहा है, और ये भी सेंड हो जाएगी 2 मिनट में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंड हो चुकी है। अब अगर आपने जिस दोस्त को ये ऐप भेजा है वो आपका मैसेज पढ़ेगा और ये ऐप को देखेगा जो मैंने उसको भेजी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट है, तो वो इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर देगा, और डाउनलोड करने के बाद उसको वापस से अपने ES File Explorer में जाना होगा, या फिर कोई से भी वो फाइल मैनेजर में जा सकता है। ES File Explorer ब्राउज़र में जाने के बाद उसको जो आपने WhatsApp में टेक्स्ट या फिर जो डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें देखिएगा। यहाँ पे WhatsApp के फोल्डर में WhatsApp डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेगा, और ये रहा हमारा लाइट एप्लीकेशन। उसको वो डायरेक्टली वहाँ से रीनेम कर देगा, जो TXT हटा के उसको APK कर देगा। सो इस जो आपका जो टेक्स्ट है वो APK में चेंज हो जाएगा। सो इस तरह आप अपने एंड्रॉयड का कोई सा भी ऐप भेज। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सके। मिलेंगे हम आपको अपने वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और दोस्तों, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई सी भी ट्रिक के बारे में पूछना हो तो हमारे नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे हम आपको अपने वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।